वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पार्ट टू करेंगे। पढ़ लेते हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया का ये जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोग पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले के चैप्टर में अगर आप लोगों ने देखा तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम लोग का विंटर मानसून के बारे में पढ़ा था। विंटर में कहां कहां बारिश होता है, किस किस सीट की वजह से बारिश होता है, आज हम समर मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार मैं थोड़ा आइडिया बता लेते हैं क्या होता है समर में। अगर ये हो गया आपका हिमालय, तो पहले चैप्टर में जैसा था कि जेट स्ट्रीम जो है उसे दो हिस्से में डिवाइड कर देता है। विंटर के टाइम पे दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, एक होता है नॉर्थ जेट स्ट्रीम और एक होता है साउथ का जेट स्ट्रीम। तो साउथ का जेट स्ट्रीम आपके इंडिया में आता है और इंडिया में विंड ब्लो करता है। और जैसे कि समर आता है, समर की वजह से ये जो नीचे से विंड बहता है हिमालय के नीचे से, ये बंद हो जाता है और सारी जो विंड है वो नॉर्थन साइड से चली जाती है। ये बात याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वार्म विंड्स होती है या फिर गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है या फिर कोल्ड विंड्स वो नीचे की तरफ जाती है। वार्म हवा में आपका मॉइस्चर रहता है और जो कोल्ड हवा रहता है उसमें मॉइस्चर रहता है। तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम वो ऊपर की तरफ चली जाती है हिमालय के ऊपर से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी की बढ़ती की वजह से जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर एक डिप्रेशन खाली एरिया क्रिएट होता है। खाली एरिया क्रिएट होते से क्या होता है, आसपास की जितनी गर्म हवा है ये अंदर आने लगती है। ये जब अंदर आने लगती है तो आसपास का कोई भी एरिया आप देखें, अगर कोई भी सी या फिर ओशन नहीं है तो आसपास की गर्म सूखी हुई हवा यहाँ पर बहती है और गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वहीं आने से क्या होता है, ITCZ जो होता है वो इंडिया में अंदर आता है। अब समझते हैं ITCZ क्या होता है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन, ये आप इसी वर्ड से ये समझ लीजिए कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन ऐसे एक लाइन है जहाँ पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल होता है। यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट आके फॉल होता है, इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आसपास की जितनी विंड्स है एक साथ इसी जगह पे धक्का खाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए जो गर्म हवा है यहाँ से ऊपर उठ जाती है और आसपास की जितनी भी ठंडी हवा है इस जगह पे आके धक्का खाती है। तो ये जो ITCZ है मई के महीने में इंडिया में घुसने लगता है। जब ये इंडिया की तरफ आता है और एकदम पेनिनसुलर इंडिया में रहता है, उस समय ITCZ जब यहाँ तक आता है तब आसपास की जितनी भी ठंडी हवा है वो आ जाती है। इधर आपको पता ही है कि बे ऑफ बंगाल है, इधर है आपका अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों का पानी अंदर आ जाता है और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाता है। इस बारिश को कहा जाता है प्री मानसून रेन, प्री मानसून रेन, क्योंकि यहाँ पर मतलब मानसून होने से पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है इसलिए इसे कहा जाता है प्री मानसून रेन। ये जब आगे बढ़ती रहती है और आस्ते आस्ते आपके वेस्ट बंगाल के साइड पे आ जाती है, वेस्ट बंगाल के साइड पे आते पे ये एक साइड से सिर्फ पानी ले आ पाती है और दूसरे साइड से आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका लैंड एरिया है। तो यहाँ से सिर्फ गर्म हवा आती है, एक तरफ से ठंडी हवा आती है एक तरफ से गर्म हवा आती है, इसलिए यहाँ पर वेदर बहुत खराब हो जाता है और इस वेदर की वजह से होता है आपका काल बैशाखी। काल बैशाखी ठंडी हवा और गर्म हवा जो दोनों है दोनों एक साथ आगे यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए वेदर कंडीशन आपका बहुत रफ हो जाता है। इसी को कहा जाता है, इस वेदर कंडीशन को यहाँ पर कहा जाता है काल बैशाखी। अब जैसे टाइम निकलता है वैसे ITCZ जो है वो आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते हुए ये एकदम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच जाता है। और जब ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचता है तब आप देख सकते हैं आसपास सारे लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया में तो कोई पानी नहीं है, तो यहाँ पर जो विंड बहती है सारे लोकल वार्म विंड होते हैं, गर्म हवा बहती है, इसलिए इस जगह को कहा जाता है। जब ये विंड बहती है तब कहा जाता है लू, यहाँ पर लू बहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लू में अगर कोई आदमी ज्यादा टाइम बाहर है तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए होता है क्योंकि वो पूरा गर्म पानी होता है और इंसानों में इंसानों से अगर भेलू तो फिर इंसानों में जितना भी मॉइस्चर हो उसको अट्रैक्ट कर लेती है और इसलिए काफी लोगों की मौत भी होती है गर्मी की वजह से यहाँ पर जब लू बहता है। अब कभी इतना ज्यादा बढ़ते रहती है बढ़ते रहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता। जब एक्सट्रीम बढ़ जाती है तब ये आपके अरेबियन सी से पानी आता है और बे ऑफ बंगाल से जितना हवा आता है वो अंदर आने लगता है इस जगह को भरने के लिए, क्योंकि जितना पानी है जितना भी हवा है आप देख रहे हैं सारे गर्म हवा है, तो सारे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, एक जगह क्रिएट होता है खाली एरिया। इस खाली एरिया को भरने के लिए पानी वाली हवा अंदर आती है अरेबियन सी से और आपके बे ऑफ बंगाल से। तो इसे ये याद रखिएगा कि पहले अगर दिल्ली में देखा जाए तो वो गर्म हवा बहती थी, फिर आस्ते आस्ते मई के महीने में जैसे ITCZ अंदर आने लगा तब आपकी लू स्टार्ट हो गई, क्योंकि आसपास की कोई भी सी या ओशन नहीं थी। अब फिर से उससे भी काम नहीं हुआ, फिर और भी गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, तब दोनों जो महासागर है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इससे बारिश विंड जिसमें पहुंचे वो अंदर आने लगी। आपको पता होगा कि अरेबियन सी का जो विंड है उससे 90% ऑफ रेनफॉल जो है इंडिया में होता है। आप देख ही सकते हैं, मतलब अगर लाइफ का सिचुएशन इससे लाइफ को भी रिलेट कर सकते हैं, लाइफ में कोई सिचुएशन खराब हो जाए और भी खराब हो जाए तो खुश हो जाएगा, क्योंकि आप समझ जाइए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये अच्छे दिन का प्रॉमिस किसी मिनिस्टर ने नहीं किया, ये खुद भगवान ने आपको किया कि अच्छे दिन आने वाले, ये बुरे कुछ दिन सह लो। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, दिल्ली में इतना ज्यादा गर्मी पड़ जाता है कि दिल्ली में ये दोनों विंड्स को अट्रैक्ट करती है, अरेबियन सी के विंड को और बे ऑफ बंगाल के विंड को। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अरेबियन सी के विंड को और दूसरे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके बे ऑफ बंगाल के विंड और भी एल नीनो ऐसे बहुत सारे विंड इफेक्ट है, फिर रेन शेडो एरिया, ये सब के बारे में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के चैप्टर में सिर्फ अरेबियन सी के जो विंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरेबियन सी का अगर विंड देखा जाए तो ये अरेबियन सी से अंदर आती है, अंदर आने पर ये सबसे पहले आपके यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है या फिर आप शादी भी बोल सकते हैं उससे धक्का खाती है। अब वेस्टर्न घाट या फिर शादी की एक नोटिसेबल बात यह है, जो साउथर्न साइड के बाढ़ है वो आपके ज्यादा ऊंचे है, तो फिर जब बारिश आके धक्का खाती है तो बारिश को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट मिलती है आपके साउथर्न साइड में, और ऑब्वियस बात है जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा वहाँ पर बारिश भी ज्यादा होती है, इसलिए आपकी सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है। अगर पूरे वेस्टर्न घाट में देखा जाए तो फिर साउथ के साइड में सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहाँ पर भी बारिश होती है, पर ऑपरेटिवली लेस तरीके से बारिश होती है। दूसरा जो यहाँ पर विंड आता है वो आप देख रहे हैं कि गुजरात के साइड से विंड आता है, यहाँ पर दो पहाड़ी है मांडव और गिर। इससे क्या होता है, मांडव और गिर में जब बारिश का पानी धक्का खाता है तब ज्यादातर बारिश जो होता है आपके मांडव और गिर में ही होता है और ज्यादा गुजरात में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है या पहाड़ी नहीं है जहाँ पर बारिश की हवा को रोका जाए, इसलिए बारिश ज्यादा गुजरात में ही होता है और वो आगे बढ़ता है। बाकी अगर इसकी बात की जाए तो ये सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे बढ़ता है, इसको यहाँ पर मिलता है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी पर जब ये धक्का खाता है तब ये दो रिवर्स रेनफॉल इतना ज्यादा होता है कि ये दो रिवर्स से कंस्ट्रक्शन करता है, एक हो गया आपका सन रिवर जो जाकर आपकी गंगा नदी से मिल जाती है और एक हो गया आपका लार्जेस्ट फ्लोइंग वेस्टर्न रिवर जो आपकी नर्मदा नदी है। अमरकंटक नदी अमरकंटक पहाड़ी में रेनफॉल होने के बाद ये और भी आगे बढ़ जाती है
और फिर जाके धक्का खाती है आपकी गुरु शिखर पे। गुरु शिखर पे धक्का खाने के बाद ये वापस थोड़ा रेनफॉल करती है, पर ये अड़फल की रेंज में एकदम भी रेनफॉल नहीं करती, क्योंकि अगर आप देखें अड़फल की रेंज जो है वो इसके पैरेलल बहती है, तो ये किसी भी तरीके से हवा को नहीं रोकती और यहाँ पर अड़फल की रेंज से ये मेरे पैरेलल बहती है और ये दिल्ली में थोड़ा बारिश करती है। जो लास्ट रेनफॉल इसको बचा हुआ रहता है ये दिल्ली में रेनफॉल होता है। तो अब जो हम लोग पढ़ा है इसी को एक बार पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर समर सीजन मॉनसून, समर सीजन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेट स्ट्रीम जो है ये हिमालय के नॉर्थ के ऊपर से बह जाती है, मतलब हिमालय के दो साइड है, एक हो गया आपका नॉर्थ और जहाँ पर आप लोग का इंडिया है वो हो गया साउथ। तो हिमालय में जो जेट स्ट्रीम पहले साउथ की तरफ से बहती थी, गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर है वो ऊपर हो गया और विंटर टेम्परेचर भी ऊपर हाई हो गया, इसलिए आपकी हिमालय से ऊपर से ये जेट स्ट्रीम बहने लगी। फिर जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, नॉर्थ वेस्ट का रीजन बहुत ज्यादा गर्म पड़ जाता है, कि नॉर्थ वेस्ट का रीजन पहले आप अगर देखिए तो पहले जेट स्ट्रीम बहती थी और दूसरे वेस्टर्न भी बहती थी, तो टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहता था, पर अब गर्मी भी पड़ रहा है और ये हवा जो है वो अपना साइड चेंज कर लिया इसने, तो फिर इस नॉर्थ वेस्ट रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसके लिए क्रिएट होता है लो प्रेशर। और यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन में जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, आप देख सकते हैं कि आसपास का जो एरिया नॉर्थ वेस्ट के आसपास का एरिया, यहाँ पर कहीं भी विंड नहीं है, मतलब कोई भी ओशियन या फिर सी बॉडी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी ओशियन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होता, इसलिए जो भी गर्म हवा है आसपास की गर्म हवा वही यहाँ पर बहती है। तो जितने भी तरीके के वॉर्म विंड्स होते हैं दिस कॉसेस हॉट ड्राई विंड्स टू ब्लो इन दिस रीजन, जितने भी तरीके की गर्म हवा होती है वही अंदर जाती है और यहाँ पर तूफान आता है। फिर मे के सीजन में देखेंगे, ये मैंने पहले समझाया आपको ITC सेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन है ये ज्यादातर आपके इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन के आसपास ही रहता है। तो जैसा आपको पता है इंडिया में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन जो है ये इंडिया से भी पास होता है। तो सबसे पहले इंडिया में आता है ये पेनिनसुला इंडिया में, पेनिनसुला इंडिया में जब आता है तब यहाँ की आसपास की लोकल विंड्स बहती है और इनमें मॉइस्चर रहता है, क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया देखेंगे तो एक तरफ है आपके अरेबियन सी और दूसरी तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल, ये आसपास के जो लोकल विंड्स है ये उनका अटैक करता है और उनमें तो ऑब्वियस बात है कि मॉइस्चर होगा, इसके वजह से यहाँ पर रेनफॉल होता है और इस रेनफॉल को कहा जाता है प्री मॉनसून के शावर। फिर अगर देखा जाए कि मई के एंड के महीने तक ICTZ होगा, यहाँ पर होगा ITZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन, ये ITZ जो होता है ये वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाता है। अब वेस्ट बंगाल पे आने पे ये हॉट लोकल विंड्स एक तरफ से निकालता है लू और दूसरी तरफ से निकलता है बे ऑफ बंगाल के लोकल विंड्स, जिसमें रहता है आपका ओशियन का बे ऑफ बंगाल का पानी। यहाँ पर जब ITZ आता है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से हवा को बुलाता है, यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है, इसके लिए जो दोनों तरफ की हवा है वो इस एरिया को भरने के लिए आती है, पर एक तरफ पूरा उसका लैंड एरिया है इसलिए ये हॉट लोकल विंड्स आती है जिनमें मॉइस्चर नहीं रहता है, दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल से सारे जो लोकल विंड्स आते हैं उनमें मॉइस्चर रहता है, तो इन दो हवा के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत रफ वेदर हो जाता है और इसी रफ वेदर को कहा जाता है आपका काल बैशाखी, बहुत ज्यादा रफ वेदर होता है, इसमें काफी ज्यादा जो प्लांटेशन फल हो गया फूड क्रॉप्स हो गए इनकी काफी ज्यादा लॉस होता है। अब जून के महीने तक देखेंगे, जून के महीने तक ITZ जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अंदर आ जाती है, ITZ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अंदर आती है, पर आसपास से मैंने पहली जगह दिखाया आपके कि वहाँ पर कोई भी लोकल विंड्स नहीं है और मतलब कोई भी सी या फिर ओशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर हॉट ड्राई विंड्स ही बहता है, पर ITZ आप समझ सकते हैं कि सर डायरेक्ट टेम्परेचर आता है, मतलब सर डायरेक्टली वहीं पर चमकता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आसपास के जितने विंड्स है उन्हें और भी ज्यादा बुलाता है, आसपास के लोकल विंड्स जो बहते हैं वहाँ पर बहुत स्पीड में उन्हें कहा जाता है लू, इसलिए बोला जाता है कि लू के टाइम पे भारत रहिए, ये लू मतलब इंसान से मॉइस्चर निकाल लेता है अगर आप लू में रहेंगे तो, और आसपास से जब टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज होता है और कोई भी तरीके से टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज ही होता है, आप समझ सकते हैं आसपास का जो भी हवा आता है वो सारे ड्राई विंड होते हैं, तो ड्राई विंड आते तो है पर क्योंकि वो हॉट विंड है वो आस्ते आस्ते ऊपर उठ जाते हैं और ये जो खाली एरिया नीचे बचा हुआ रहता है ये कोई भी नहीं भरता, ऐसे दिन के बाद दिन ऐसे होते रहता है, तब आखिर में जाके आपके अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल से हवा अटैक होती है, उनमें मॉइस्चर होता है और वो यहाँ पर रेनफॉल पूरे इंडिया में रेनफॉल कॉज करती है, अरेबियन सी का विंड और ये बे ऑफ बंगाल का विंड, तब देखते हैं फाइनली अट्रैक्ट्स मॉइस्चर लेटर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इंडियन का जो मानसून है इंडिया का मानसून का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब जो 90% रेनफॉल है ये दोनों विंड की वजह से होता है, ज्यादातर आपके अरेबियन सी के जो विंड है उसकी वजह से होता है और बाकी जो रेनफॉल होता है वो बे ऑफ बंगाल के विंड की वजह से होता है, तो ये आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट विंड और बे ऑफ बंगाल विंड्स। अब बात करेंगे साउथ वेस्ट विंड की वजह से, बात साउथ वेस्ट विंड की अगर बात की जाए तो आपको पता है ये अरेबियन सी से आता है जिसको अरेबियन सी विंड भी बोला जाता है, इंडिया से जब एंटर होता है तो एंटर होता है आपके वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट आपको पता ही होगा कि इसको छात्री भी बोलते हैं, आपको इंडिया का मैप पे पता ही होगा अरेबियन सी यहाँ पर है, तो ये विंड अंदर आ रही है तो आपको पता है ये पूरा वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले इसके वेस्टर्न घाट ही आता है, तो वेस्टर्न घाट का एक्सटेंड अगर देखा जाए तो ये फिर गुजरात से एकदम लास्ट में आता है साउथर्न साइड में, तो ये गुजरात से कन्याकुमारी तक बारिश होता है ड्यू टू द वेस्टर्न घाट, पहले जून में देखा जाए तो फिर मालाबार कोस्ट में रेनफॉल रिसीव होता है, मालाबार कोस्ट आपका साउथर्न कोस्ट कोस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग मैप पे एक बार इस चीज को देख लेंगे, ये एक बार क्लियर कर लेता हूँ। हाँ अगर आप यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट देखें तो वेस्टर्न कोस्ट को मिलिए तीन हिस्से में डिवाइड किया गया, एक दो और तीन, ये जो सबसे ऊपर का साइड है इसे बोला जाता है मुखद कोस्ट, जो नीचे का साइड होता है उसे बोला जाता है आपका कदर कोस्ट, और लास्ट में जो है लास्ट का जो कोस्ट है इसे कहा जाता है आपका मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो देखा जाए अगर रेनफॉल तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपके मालाबार कोस्ट में होता है जो कि एकदम साउथ रीजन होता है, और रेनफॉल ये होता है दिस रेनफॉल इज नोन बाय द नेम ऑफ मॉनसून बस्ट, तो ये रेनफॉल स्टार्ट होता है इसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट में जो रेनफॉल होता है इसको कहा जाता है मॉनसून बस्ट। साउथर्न पार्ट जैसे मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट अगर आप पूरा देखें तो फिर साउथ का पार्ट जो होता है वो ज्यादा हाई होता है और नॉर्थ के पार्ट में जो होता है जो गुजरात और मुंबई की तरफ होता है महाराष्ट्र की तरफ वो थोड़ा लो एरिया होता है, इसलिए मालाबार कोस्ट पे ज्यादा रेनफॉल होता है ना कि कोंकण कोस्ट पे, जैसा मैंने बताया कि ऊपर का कोंकण कोस्ट बोला जाता है नीचे का एरिया बोला जाता है आपका मालाबार कोस्ट, तो आपको पता है मालाबार कोस्ट जो नीचे का एरिया है उसमें ज्यादा रेनफॉल होता है और ऊपर का एरिया जो है कोंकण कोस्ट है उसमें कम रेनफॉल होगा,
और मूविंग कंप्लीट प्रोसेस रेनफॉल इन अवर कंटेंट। अवर कंटेंट जैसा आपको बताइए कि पीक है और ये रेनफॉल के जो विंड से स्कोर होते हैं, इसलिए अवर कंटेंट में बारिश होता है और अवर कंटेंट से दो रिवर निकलती है, एक आपकी सोन रिवर जो मालगंगा से मिल जाती है और एक होती है नर्मदा रिवर जो आपकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में दो पहाड़ी है, गिर और मांडव, जो गुजरात में स्वीट को ब्लॉक कर दिया, गिर और मांडव जो गुजरात में स्वीट को ब्लॉक कर दिया, इसलिए यहाँ पर बारिश होता है। बाकी अगर गुजरात में देखा जाए तो फिर ज्यादा बारिश नहीं होता। ये दौर की साइड चली जाती है और रेनफॉल करती है आपकी गुरुशिखर में। गुरुशिखर एक ऐसा पॉइंट है जो रेनफॉल को रोकती है और वहाँ पर बारिश होता है। बाकी अगर अरावली रेंज की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही पैरेलल रहता है आपके अरेबियन सी के विंड के साथ और इसलिए यहाँ पर एकदम बारिश नहीं होता, या फिर बारिश होता है तो बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए आपको यहाँ पर थार डेजर्ट दिखने के लिए मिलेगा। जो थार डेजर्ट है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो विंड्स आर पैरेलल टू द अरावली हिल्स, सो दे डू नॉट कॉज एनी रेनफॉल। तो आज के लिए तो आपके पास इतना ही, और अगर आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो फिर काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आपको जीने के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तब तो आप आलिया भट्ट एकेडमी के टॉप स्टूडेंट हो, जो आपको बोलने के लिए हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।